नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 9 कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये क्लास हमारी 9 होगी। टाइप नंबर 9, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पिछली वीडियो में हम टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 8 तक कम्प्लीट कर चुके हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से 81 तक पूरा हमारा कम्प्लीट हो चुका है। आज हम सॉल्यूशन 82 से 96 तक का करेंगे, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x का मान क्या है? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए पहली संख्या, यहाँ मान लेते हैं हम पहली संख्या, यहाँ लिख लेते हैं हम दूसरी संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं हम तीसरी संख्या। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी है मैथ की, मैथ में आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा और घर पर प्रैक्टिस भी करना। देखिए हम मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी 100 है, हमने मान लिया। इसके बाद आगे देखिए, पहली संख्या 30% अधिक है, तीसरी से पहली संख्या 30% अधिक है। तीसरी हमारी 100 है, तो पहली कितनी हो जाएगी? 130, क्योंकि 30 अधिक की बोल रहा वो कि पहली 30 अधिक है, तो 130 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी देखिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40 अधिक है, ये वाली 40% अधिक है, तो दूसरी हो जाएगी हमारी 140। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है। पहली संख्या है हमारी 130, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या है हमारी 140, हमने 140 लिख दिया। इसके बाद आगे देखिए, अब दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, दूसरी संख्या हमारी 140 है, 140 का x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत का मतलब होता है x बटे 100, x प्रतिशत का मतलब x बटे 100, यानी कि प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारा 130 बराबर 140 का x में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा 140x बटे में 100 है, तो हम 100 लिख देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में हम एक मान लेते हैं। अब इसका करेंगे हम तिरयक गुणा, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन। इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन, देखिए कर देंगे इसका हम क्रॉस गुणा। देखिए 130 का गुणा 100 में करेंगे, आ जाएगा हमारा 13,000 यानी 13,000 बराबर 140x। आगे देखिए, अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है हमसे क्वेश्चन में, तो 13,000 बटे 14। देखिए इसको सिंपली अब हम काट लेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, फिर इसको हम 2 से काटेंगे। देखिए ऊपर वाला हम साफ कर लेते हैं, हाँ देखिए ऊपर वाला हम 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 0 है, 1 0 लगा दिया।
आ गया हमारा 650 बटे 7, इतना आप नोट कर लें। अब हम 7 का भाग 650 में दे देंगे, इतना आप नोट कर लें। अब वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोककर आसानी से नोट कर लें। हम आगे देखते हैं, देखिए हम 7 का भाग देंगे 650 में, देखिए 7 नम होता है हमारा 63, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 5 में से 3 गया बचा 0, सॉरी 2, अंक लिया 0 का, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए बचे 6। अब देखिए इसको हम मिश्रभिंड में बदल लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन मिश्रभिंड में दिए गए हैं। देखिए 6 हमारा ऊपर पहुंच जाता है, 7 हमारा नीचे आ जाता है, 92, देखिए 92 सही, 6/7 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, देखिए वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20 प्रतिशत अधिक है। देखिए 80 से 20 प्रतिशत अधिक है मतलब 80 का हम 20 प्रतिशत निकालेंगे, 80 × 20/100। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 8 दूनी 16 यानी 16 अधिक है, 20% अधिक का मतलब है कि 16 अधिक है। 80 से कौन वह संख्या कौन सी है जो 16 अधिक है। देखिए 80 से 16 अधिक क्या पूछा, तो हम 80 में हम 16 जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर डी। हम 96 में से 16 को घटाएंगे हमारा 80 आ जाएगा, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, देखिए एक संख्या का 3/7, 2/3 का 3/5 150 है, तद अनुसार उस संख्या का 60% कितना है। देखिए संख्या हम मान लेते हैं x, x का मतलब होता है गुणा, हम गुणा लगा देंगे 3/7, इसके बाद फिर का मतलब गुणा, हम गुणा का साइन लगा देंगे, 2/3 हम 2/3 लिख लेंगे, इसके बाद देखिए का मतलब गुणा 3/5 बराबर कितना है 150। अब आगे देखिए 3 से हम 3 काट देंगे, इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 ऊपर हो जाएगा हमारा 6, एक्स है तो 6x, 7 × 5 35 नीचे आ जाएगा हमारा 35 बराबर 150। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं। अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यानी कि त्रयक गुणा, देखिए इसका करेंगे हम इसमें, इसका करेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 6x बराबर 150 × 35। अब देखिए x बराबर, x की वैल्यू निकालना है हमें, तो 6 150 × 35 के बटे में जाएगा, देखिए 150 × 35/6। अब देखिए इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15 ये कटेगा हमारा 50 बार। अभी 2 से हम इसको काट देंगे 50 को, तो ये कटेगा हमारा 25 बार। देखिए अब 25 का गुणा हम कर देंगे 35 में, देखिए यहाँ पे देखिए 25 × 35 5 25, 25 की 5 कैरी आई 2, 5 3 15, 15 और 2
17, सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 2 12। आगे देखिए, 3 5 है 15, 15 की 5 यहाँ से लाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ लेंगे इनको। देखिए 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 875, 875 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, तद अनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या है हमारी x, तो छोटी संख्या, छोटी संख्या है हमारी y। देखिए इन दोनों का योग दिया गया है हमें 520। देखिए संख्याओं का योग दिया गया है x प्लस y बराबर 520। देखिए दो संख्याओं का योग 520, हमने बड़ी संख्या मानी x, छोटी संख्या मानी y, दोनों का योग दिया गया है 520। अब आगे देखिए, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है। देखिए बड़ी संख्या है हमारी x, x को 4% कम कर दिया जाता है। जब x को 4% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 96, x गुणे 96, 96%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 4% बड़ी संख्या को हम कम कर रहे हैं, तो यानी x हमारी बड़ी संख्या है, x को हम 4% कम करेंगे तो बचेगा हमारा 96%। तो x का 96% बराबर y को 12% छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, छोटी संख्या हमारी बाई है, बाई को 12% बढ़ा दिया जाता है तो हो जाएगा हमारा 112। देखिए बाई का 112%। अब देखिए परसेंट से परसेंट को काट लो। आगे देखिए, दो से इसको काटते हैं, 2 5 10, 2 6 12। देखिए 2 से 96 को काटते हैं, 2 4 8, 2 8 16, 2 से फिर इसको काटते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 से इसको काटते हैं, 2 2 4, 2 8 16। फिर देखिए 4 से कटेगा, हाँ 4 6 24, 4 7 28, कितना हो गया हमारा। देखिए 6x बराबर 7y। देखिए 6x बराबर 7y, बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी बराबर के केस में क्या हो जाते हैं, मान चेंज हो जाते हैं, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हम 7 और बाई की वैल्यू हो जाएगी 6। देखिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7, बाई की वैल्यू हो जाएगी 6, दोनों का रेशियो कितना हो गया। देखिए रेशियो बना लेंगे हम, एक्स अनुपाते बाई, यानी 7 अनुपाते 6। देखिए दोनों संख्या हमें निकल आई, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, यानी हमारे अकॉर्डिंग योग कितना आया, 7 और 6 कितना होता है हमारा 13, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 520, दोनों संख्याओं का योग 520 दे रखा है, तो यानी 13 की वैल्यू हमें दी गई है 520। देखिए 13 की वैल्यू दी गई है हमें 520, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे,
520 बटे 13, 13 से इसको काट देंगे, 13 चौक 52 आ जाएगा हमारा 40। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या है। देखिए छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का अनुपात है हमारा 6। देखिए छोटी संख्या का अनुपात है हमारा 6, तो 40 का हम 6 में कर देंगे गुणा, 40 गुणा 6 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 यानी 240, 240 हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। इसके बाद देखिए यदि बड़ी संख्या का पूछे तो बड़ी संख्या में हम 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमने 7 मानी थी, एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू हमारी 7 आई, तो बड़ी संख्या में हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 यानी 280, 280 हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। इन दोनों का योग देखेंगे तो आएगा हमारा 520। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। देखिए हम मान लेते हैं वह संख्या है हमारी x, तो x का 13% यानी कि 13/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आता है, x का 13% x गुणे 13/100 उसी संख्या का मतलब है कि x के उसी संख्या के 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो हम 1/20 लिख लेंगे, से 16 ज़्यादा है तो 16 को कर देंगे प्लस में हम। देखिए एक बार इसको हम पुनः देखते हैं, एक संख्या का 13%, हमने संख्या मान ली x, 13% यानी कि 13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/100, हमने 13/100 लिख दिया, बराबर उसी संख्या के, उसी संख्या का मतलब हुआ कि x के 5%, 5% का मतलब हुआ 1/20 यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, भिन्नात्मक मान होता है 1/20, 16 ज़्यादा है तो प्लस 16 कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम सॉल्व, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13x/100 बराबर x/20 प्लस 16। आगे देखिए, देखिए इनका ले लेंगे एलसीएम, 100 और 20 का एलसीएम लेंगे, आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। देखिए इसका इस तरफ हम ट्रांसफर कर लेंगे यानी पक्षांतर कर लेंगे, देखिए 13x/100, क्योंकि x वाली संख्या हम एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस में है, इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस का x/20 बराबर 16। देखिए अब लेंगे हम इनका एलसीएम, इनको हम सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम आएगा हमारा 100, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा हमारा 13x माइनस 20/500 हो जाएगा हमारा 5x बराबर 16। आगे देखिए, हाँ देखिए 13x में से 5x को घटाएंगे, बचेगा हमारा 8x/100 बराबर 16। आगे देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, हम मान लेंगे एक, अब कर लेंगे इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन यानी कि त्रियक गुणा, ये हो जाएगा हमारा 8x/100, सॉरी यहाँ पे 16 है, देखिए यहाँ पे 16 है, 16 मल्टीप्लाई 100। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे हम,
ए हो जाएगा हमारा 1600, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 हमारा बटे में चला जाएगा, यानी इसके बटे में पहुंच जाएगा। इसको हम काट देंगे, 8 2 16, 2 0 है, 2 0 लगा दी, यानी 200। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए 10% कम कर दी जाती है तो 10% को सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। देखिए 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका भिन्नात्मक मान निकालेंगे, जो होता है हमारा 1/10। यहाँ पे कम की बात हो रही है, यानी कम कर दिया जाता है तो हम माइनस करते हैं, यानी घटाते हैं। पहले थी 10, कम करने के बाद हो गई 9। इसके बाद देखिए कम करने के बाद वह 54 हो जाती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हो गई वह 9। क्वेश्चन में दिया गया हमें 54, यानी 9 की वैल्यू हमें दी गई है 54। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 54/9, 9 से इसको हम काट देंगे, 9 6 54। देखिए 1 की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब इसके बाद हम 10 में कर देंगे गुणा, देखिए तो हो जाएगा हमारा 60। देखिए पहले थी 60, इसको 75 करने के लिए, सॉरी 72 करने के लिए, 60 को 72 करने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 60 को 72 करने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। 72 में से हम 60 को घटा देंगे, बचेगा हमारा 12। देखिए 12, 12 को हम ऊपर लिखेंगे, पहला मान हमेशा नीचे आता है मूल मान, तो 60 को नीचे लिख लेंगे हम, गुणा कर लेंगे 100 का। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 2 12, 10 2 20, यानी 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, देखिए क्वेश्चन नंबर 89, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। देखिए एक संख्या का 60% अन्य किसी दूसरी संख्या से घटाया जाता है, अन्य संख्या मान लेते हैं 22। देखिए 22, 22 में से एक संख्या, वह संख्या हम मान लेते हैं एक्स, तो देखिए एक्स का 60%, यानी 60/100 हो जाएगा हमारा, घटाया जाता है तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या थी हमारी 22, तो दूसरी संख्या यानी 22 घटकर अपना 52% हो जाती है, यानी 52% 52/100। देखिए इस इक्वेशन को आप कर लेंगे हम सॉल्व। देखिए 22 माइनस 60x/100 बराबर 52/100। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, हम एक मान लेंगे, दो एलसीएम लेंगे, आएगा हमारा 100, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100/22 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60x। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, हाँ देखिए 60x बराबर 52/100। देखिए दोनों के आधार समान हैं तो हम 100 से 100 काट लेंगे। आगे देखिए
ये हो जाएगा हमारा 100/-60x बराबर 52। देखिए 100/-52 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -52 बराबर 60x, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60x। देखिए अब 100/ में से 52 गए, यहाँ पे 52 है, 100/ में से 52 को घटाया यानी 100 में से 52 गए, बचा हमारा 48, 48/ बराबर 60x। देखिए 12 से इसको काट लेंगे, 12 5 60, 12 से इसको काटेंगे, 12 4 48, यानी आगे देखिए अब ये हो गया हमारा 4/ बराबर 5x, 4/ बराबर 5x। अब देखिए बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, बाई का मान हो जाएगा 5, एक्स का मान हो जाएगा 4। देखिए एक्स अनुपाते बाई, एक्स की वैल्यू हो गई 4, तो 4 अनुपाते बाई की वैल्यू हो गई 5। क्वेश्चन में पूछा है हमसे पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात हमें बताना है। पहली संख्या है हमारी 4, दूसरी है हमारी 5, यानी पहली संख्या हमने मानी थी x तथा दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात तो हो जाएगा हमारा 4/5। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 90, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है। देखिए हम मानते हैं वह संख्या हमारी x है, किसी संख्या को उसके, उसके का मतलब x, वही संख्या हमारी तो x, उसके 25% से, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4। लेकिन हम यहाँ पे देखिए 25/100 ही लिखते हैं, हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अभी नहीं बदलेंगे। आगे देखते हैं मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, उस संख्या से, उस संख्या का मतलब x जो हमने मानी थी, इसके बाद देखिए 200% अधिक है। देखिए 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं 200/100। देखिए इसको हम काट लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/1। यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही यानी कि अधिक की बात हो रही, तो हम जोड़ के लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा 3/1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/1, 3/1। या और आसान करना हो तो देखिए इसको ऐसा लिख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 200% अधिक है यानी 200/100% का साइन हटाया, अधिक की बात बोल रहा तो हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 100 और 200 यानी 300/100। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा ही लिख लेते हैं क्योंकि बेस सेम हो जाएगा यानी जो आधार सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको रफ करते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 300/100। देखिए अब 100 से 100 को काट देते हैं,
25 से 300 को काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 12 बार, ये कटेगा हमारा 12 बार। एक्स से एक्स को काट दिया, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 12, वह संख्या हमारी 12 है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिए हम दो भागों में हमें बांटना है एक संख्या को। देखिए हम पहला भाग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर पहला भाग हम मान लेते हैं x तथा दूसरा भाग हम मान लेते हैं y। अब देखिए पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80%, देखिए पहला भाग है हमारा x, तो x का 80% 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 4/5, तो यहाँ पे हम 4/5 लिख लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना तो आपको आता ही होगा, यानी कि भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यदि नहीं आता है तो आप हमारा पार्ट फर्स्ट देख लें, उसमें मैंने बताया है। देखिए एक्स का 4/5 यानी 80% तो हो जाएगा 4/5 बराबर बाई का 60% से 3 अधिक है। देखिए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/5, तो हमने 3/5 लिख लिया, 3 अधिक है तो हमने 3 जोड़ दिया। अब इसके बाद इसको कर लेंगे हम सॉल्व। देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x/5 बराबर 3y/5 +3। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4x/5 बराबर 3y +3, 3y के बटे में है 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं। देखिए 5 और 1 का लेंगे अब हम LCM, क्योंकि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, 5 और 1 का LCM आएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3y+5 15। देखिए आगे देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x/5 बराबर 3y+15/5। देखिए दोनों के आधार समान है तो आधार को हम काट देंगे, 5 से 5 हमारे कट गए, ये बचा हमारा 4x/3y+15। देखिए 4x 3y उस तरफ है, 3y का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा -3y/15। देखिए ये बन गया समीकरण हमारा पहला, ये बन गया हमारा पहला समीकरण, यानी पहली इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखते हैं आगे, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा। क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, दूसरे भाग का 90%। देखिए दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं हम, पहले एक क्वेश्चन हमारी निकल आई 4x-3y/15। देखिए ये निकल आई हमारी पहली एक क्वेश्चन 4x-3y/15। इसके बाद हम
दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरे भाग का 8%, दूसरे भाग का 80%। तो देखिए दूसरा भाग है हमारा बाई, तो बाई का 80%, 80/100। 80% का मतलब होता है 80/100। यहाँ पे देखिए सिंपल बनाने के लिए, देखिए 80% की फ्रिक्शन वैल्यू निकाल लेंगे हम। 80% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 8/, देखिए 80% की फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए 80/100, 1 0 से 1 0 काट दो। देखो ये आगे भी कट रहा, लेकिन इसको हम आगे नहीं काटेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें आसान बनाना है। तो इसको हम 8/10 ही लिख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहो तो इसको और भी काट सकते हो, 2 4 8, 2 5 10, 4/5 भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको 8/10 लिखेंगे। देखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान बन जाएगा, यानी हम आधार सेम कर लेंगे, तो आधार से आधार हम काट सकते हैं। देखिए बाई का 80%, यानी 8/10, 8/10 बराबर एक्स एक्स 90%, यानी 9/10। पहले भाग के बराबर है, 6 अधिक है, तो 6 के अधिक के लिए 6+ कर दिया। आगे देखिए, आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा 8y/10 बराबर 9x/10, सॉरी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। हाँ देखिए 9x/10 प्लस 6। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 माना हमने, दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा हमारा 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x+60। आगे देखिए अब 8y/10, 8y/10 बराबर 9x+60/10। देखिए दोनों के आधार सेम है, तो हम 10 से 10 को काट देंगे। आगे देखिए 8y/ 9x+60, देखिए 8y 9x उस तरफ प्लस में, इस तरफ इस 9x को लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 9x/60। ये बन गई हमारी इक्वेशन दूसरी। ये बन गई हमारी इक्वेशन दूसरी, 8y-9x/60। अब देखिए आगे, पहली क्वेश्चन थी हमारी 4x-3y/15। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहली क्वेश्चन थी हमारी 4x-3y/15। ये था हमारा पहला समीकरण। इसके बाद दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण था हमारा 8y-9x/60। देखिए ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, यानी विलोपन विधि हमने कक्षा 10 में पढ़ी थी। देखिए यदि भूल गए हो तो हम बताते हैं। देखिए
हम एक्स या वाई की वैल्यू चेंज कर लेंगे, सॉरी या सेम कर लेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू हम सेम कर लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स की वैल्यू सेम। देखिए यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू सेम करेंगे, वाई की वैल्यू सेम कर लेते हैं। देखिए तो ऊपर करेंगे हम 8 का गुणा, पूरे क्वेश्चन में नीचे करेंगे हम 3 का गुणा। देखिए अब पूरे क्वेश्चन में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। देखिए 8 चौको, देखिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का मल्टीप्लाई पूरे क्वेश्चन में करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 32x, 32x माइनस 8 24, 24 बाई बराबर 15 8 120। आगे देखिए 3 का मल्टीप्लाई पूरे क्वेश्चन में करेंगे 8 3 24, 24 बाई चौबीस बाई इसके बाद प्लस सॉरी सॉरी देखिए यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ देखिए ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आएगा हमारा 24 बाई, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो माइनस का 27x यानी 27x बराबर 6 3 18 यानी 180। अब देखिए हमारी बाई की वैल्यू और बाई की वैल्यू सेम हो गई, यहाँ पे 24 बाई है, 24 बाई। देखिए 24 बाई से 24 बाई हमारे कट गए, 32x में से 27x को सबट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5x बराबर, इनको हम जोड़ लेंगे ये हो जाएगा हमारा 300। आगे देखिए अब एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारी 300, एक्स के गुणा में 5 था तो बटे में जाएगा इस तरफ, 5 से काट लेंगे, 5 6 का 30 यानी 60। देखिए एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारी 60। अब चाहिए हमें बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में रखकर निकाल सकते हैं। देखिए बाई की वैल्यू, तो हम एक्स का मान समीकरण पहले में रखकर देखते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू हमारी 60 है तो हम पहले में रखेंगे 4x माइनस 3y बराबर 15। देखिए 4x की जगह पर रख देंगे हम 60 माइनस 3y बराबर 15, ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 यानी 240 माइनस 3y बराबर 15। देखिए 240 इस 3y को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, 15 को इस तरफ लाएंगे तो 15 हो जाएगा हमारा माइनस में माइनस 15y बराबर, माइनस 3 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में प्लस 3y। देखिए 240 माइनस 15 बराबर 3y। आगे देखिए 240 में से 15 को माइनस किया, बचा हमारा 225 बराबर 3y। देखिए 3 से 225 कट जाएगा हमारा 85 बार, यानी बाई की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 85। आगे देखिए, अब देखिए आगे पूछा था, क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए हमारी एक्स और बाई की वैल्यू निकल के आ गई, देखिए एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 60 और बाई की वैल्यू निकल के आ गई 85। देखिए दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है तो दोनों का
योग कितना हो जाएगा, 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 यानी दो भागों में बांटा गया है, एक भाग हमारा 60 है, एक भाग हमारा 80 है, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी एक भाग हमारा 85 है, यहाँ पे 85 टोटल हो जाएगा हमारा 135, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी एक्स और वाई की वैल्यू को हमने जोड़ दिया, यानी दोनों भागों के हमने जोड़ दिया, एक आ गया हमारा 60, दूसरा आ गया हमारा 85। यानी हमने पहला वाला भाग माना था एक्स तथा दूसरा भाग माना था हमने वाई, दोनों को कर देंगे ऐड तो हमारा आंसर आ जाएगा 135। देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आप इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखिए एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए 10% बढ़ाया गया तो 10% को सबसे पहले हम भिन्नात्मक मान निकालेंगे, यानी इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, होता हमारा 1/10। बढ़ाने की बात हुई तो ये हो गई हमारी 10 से 11, क्योंकि यदि बढ़ाने की बात होती है, वृद्धि की बात होती है, तो हम हर में अंश को जोड़ते हैं यानी प्लस करते हैं। इसके बाद देखिए 20% बढ़ाया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, बढ़ाने की बात हुई तो हम हर में अंश को जोड़ते हैं, यानी 5 से हो जाएगा ये हमारा 6। देखिए दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा हमारा 66। देखिए ये होती है हमारी मूल संख्या, ये निकल के आ गई हमारी मूल संख्या, और ये होती है हमारी वर्तमान संख्या यानी परिणामी संख्या, वर्तमान संख्या भी बोल सकते हैं इसको, हम नया मान भी बोल सकते हैं। देखिए फिर आगे क्वेश्चन कहता है मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले मूल संख्या थी हमारी 50, अब हो गई 66, कुल कितनी वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हुई, कितने पे, 50 पे, क्योंकि मूल संख्या हमेशा नीचे आती है, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 32%, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, देखिए हम वही मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर पहली, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम दूसरी, इसके बाद मान लेते हैं हम तीसरी संख्या, आगे देखिए अब देखिए तीसरी संख्या हमने मान ली 100, जिनमें से दूसरी संख्या कम है हमारी 37, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या से 37 कम है यानी 63, और पहली संख्या 30 कम है तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 70। देखिए हमने माना तीसरी संख्या हमारी 100 है, जिसमें से दूसरी संख्या हमारी 37% कम है तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 63, इसके बाद पहली संख्या हमारी 30% कम है तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 70। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। देखिए दूसरी संख्या जो ये दूसरी संख्या है पहली की तुलना में कितनी कम है, पहली की तुलना में 70 में से 63 को घटाओ कितना बचेगा, 7, यानी 7 कम है तो 7 को लिखेंगे हम ऊपर, और 70 मूल संख्या पहली की तुलना में यानी जिसकी तुलना में हो तो हम लिखेंगे उसको नीचे, यहाँ पे पहली की तुलना में पहली हमारी 70, 70 को लिखेंगे नीचे, प्रतिशत के लिए कर देंगे हम 100 का गुणा। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 7 से 7 को काट दिया, बचा हमारा 10 यानी 10%
हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 पर। देखिए किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन 93 वाला हमारा वहां पे छूट गया था, एक गलती से बीच में टाइप हो गया। देखिए इसको हम समझते हैं, 92 से डायरेक्ट 94 आ गया था, 93 वाला हमारा छूट गया था, इसको ये क्वेश्चन यहाँ पे लग गया। देखिए इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है कि 375 हो जाए। देखिए 25%, 25% को सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, 25% यानी 25, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/4। देखिए 1/4 कम करने पर, तो यानी कि हम हर में से अंश को घटाएंगे, कम की बात होती है तो हम हर में से अंश को घटाते हैं। तो देखिए पहले थी 4, कम होने के बाद होगी 3। देखिए कम करने के बाद 225 प्राप्त होती है, लेकिन हमें 3 प्राप्त होती है, यानी 3 की वैल्यू दी गई है हमें 225। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 225/3, 3 से काटेंगे इसको, 30 7 21, 30 5, 30 7 21 और 30 5 15, हाँ 75। अब देखिए 1 की वैल्यू में लगी हमें 75, 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 में, 75 चौको होता हमारा 300। देखिए 75 चौको 300, ये निकल आई हमारी 300। देखिए पहली वाली संख्या हमारी 300 निकल आई, जो हमारी बड़ी थी। देखिए जो हमारी कम हुई थी, यानी पहले 300 थी लेकिन कम होने के बाद हमारी 225 हो गई थी। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि वह 375 हो जाए। देखिए 300 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें कि 375 हो जाए, 300 में हमें 75 ही तो जोड़ना पड़ेगा, 300 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 375 हो जाए। देखिए 300 में हम 75 जोड़ेंगे तभी तो 375 होगा। देखिए अब इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, 75 हमारा ऊपर जाएगा, 1/3 में हमारा 300 आएगा, क्योंकि हम 300 में ऐड कर रहे हैं, यानी मूल संख्या हमारी 300 है, गुणा 100 का कर देंगे प्रतिशत के लिए, 100 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 25 थी 75, 25 25% आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या क्या है। देखिए एक संख्या के 75% में, यानी x का 75% हमने संख्या मान ली, x 75% यानी 75/100 में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या कितनी हमारी x। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा 75x/100 प्लस 75 देखिए प्लस 75 बराबर x। आगे देखिए 1/2 में कुछ नहीं है, हम मान लेंगे 1, एलसीएम लेंगे 100 आएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 75x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7500।
बराबर एक्स। आगे देखिए, पचहत्तर एक्स बराबर देखिए 75x यहाँ पे प्लस 75x प्लस 7500, 7500 बटे 100 बराबर था हमारा x। x के बटे में कुछ नहीं है, हम मान लेंगे 1। अब देखिए इसका करेंगे हम त्रियक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। देखिए इसका हम त्रियक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75x प्लस 7500 बराबर 100x। आगे देखिए हम ये 75x है, इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, 75x को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बचा हमारा 7500 बराबर 100x माइनस 75x। देखिए 7500 100x में से 75x गए, बचे हमारे 25x। देखिए 25x, देखिए 25 से इसको काट देंगे, 25 थी 75 यानी 300, 300 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, देखिए 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। देखिए 320 के 10% में, 320 के 10% में, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी इसको हम भिन्न में बदल लिया हमने फ्रैक्शन वैल्यू में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10% की जगह हमने लिख लिया 1/10 में कितना जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। हम मान लेते हैं x जोड़ा जाए बराबर कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, 230 के 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अब देखिए इस इक्वेशन को कर लेंगे हम सॉल्व। देखिए ये हो जाएगा हमारा 320, 320 एक्स एक्स सॉरी एक्स अलग है यहाँ पे। देखिए 320 बटे 10 प्लस एक्स बराबर, इसका कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0, 3 3 का 9, 3 2 6 690 बटे 10। अब देखिए इसका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारा 10, ऊपर हो जाएगा हमारा 320 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 690/10। देखिए दोनों के आधार समान हैं तो हम 10 से 10 को काट देंगे। आगे देखिए 320 प्लस 10x बराबर 690। देखिए 320, 320 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10x, 10x बराबर 690 माइनस 320, तो हो जाएगा हमारा 10x, 690 में से 320 को घटाया बचा हमारा 370। अब देखिए तब हमारा x बराबर हो जाएगा, x बराबर 370, एक 10 गुणा में है तो बटे में पहुंचेगा, 0 से 0 काट दिया, 37% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 x की वैल्यू निकल के आई 37,
37% ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10th के साथ।